कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अपने पूरी फैमिली के साथ। तो आज की ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये बहुत ख़ास ही वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है, ठीक है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे न्यूज़ पोर्टल की जो एप्लीकेशन होती है उसे कैसे बनवाएं। और ये एप्लीकेशन दो तरह की होती है दोस्तों, आज मैं आपको दोनों ही तरह की एप्लीकेशन के बारे में अलग अलग वीडियो में बना करके विस्तार से बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये न्यूज़ पोर्टल के ऊपर एक एप्लीकेशन आती है दोस्तों, एक प्ले स्टोर वाली, एक बिना प्ले स्टोर वाली। तो ये जो मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ ये प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। इससे अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी बिना प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन के ऊपर आधारित। तो चलिए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट इसके अंदर निकाला है दोस्तों, वो है कि आजकल जो न्यूज़ पोर्टल का चलन आ गया है दोस्तों, चलन ऐसा आ गया है कि एक तरह की समाज सेवा है दोस्तों। इसके ऊपर आप खबरें भी लगा सकते हैं और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, खबरों भी बना करके या फिर कोई और वीडियो जो नॉलेज वाली हो, ठीक है जी। तो इसके बारे में जो एप्लीकेशन आती है उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, जो मैं आप लोगों के साथ आज साझा कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है जी। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी पब्लिश की जाती है दोस्तों, और इसको वहाँ से कोई भी बंदा डाउनलोड कर सकता है और आपसे जुड़ सकता है। क्योंकि अगर आप वैसे सर्च मारेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल भी सकती है नहीं भी, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे वहाँ से जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो सेफ़ होती है, प्रमाणित तो होती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कोई किसी का डाटा नहीं चराती, कुछ नहीं चराती दोस्तों, ठीक है जी। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे और इसका प्रयोग कर सकेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है जी। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, इस एप्लीकेशन को आप अपने न्यूज़ पोर्टल के साथ भी बनवा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, न्यूज़ पोर्टल के साथ ही एप्लीकेशन आती है, और इसके बिना न्यूज़ पोर्टल आपका किसी काम का नहीं है दोस्तों। मेरा हिसाब किताब अगर आप जाने और जो मैंने जानकारी निकाली है उसको आप अगर मान के चलें, तो ये एप्लीकेशन न्यूज़ पोर्टल के साथ चलती है। बिना न्यूज़ पोर्टल के ये एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेगी दोस्तों, और ना ही शायद आपको मिले ये ऐसे, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। इसका फ्यूचर सिर्फ है न्यूज़ पोर्टल के साथ दोस्तों, तो उसी के साथ ये रन करती है दोस्तों, ठीक है जी। उसी के अंदर ये शामिल है, तो उसके बिना आपको शायद ही ये मिले। बाकी मैं जितनी जानकारी मुझे मिलती रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है जी। जितनी मुझे जानकारी मिलेगी मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो, उसी के हिसाब से यूट्यूब के ऊपर आप देखते रहिए दोस्तों। आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ इन सब वीडियो को देखने के लिए। तो चौथा जो पॉइंट मैंने निकाला है दोस्तों, कुछ वेबसाइटर इस एप्लीकेशन को न्यूज़ पोर्टल के साथ बना करके देते हैं और कुछ नहीं बना करके देते दोस्तों। इसमें उनका थोड़ा बहुत मतलब मार्जिन होता है, नहीं भी होता है। जिनका होता है वो बना करके दे देते हैं न्यूज़ पोर्टल के साथ, जिनका नहीं होता वो अलग से इसको बनाते हैं, फिर वो अलग से इसके पैसे लेते हैं दोस्तों। और इस एप्लीकेशन को अगर आप न्यूज़ पोर्टल के साथ बनवाएँ या अलग बनवाएँ तो एक महीने का इसका टाइम है दोस्तों। मैंने जिस वेब डेवलपर से अपना न्यूज़ पोर्टल बनवाया है उसने मुझे ये सारी जानकारी दी है दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है जी। तो इसका चार्ज फिर अलग से लगता है दोस्तों, अगर किसी वेबसाइट डेवलपर पर नहीं कुछ बच रहा तो इसका चार्ज वो अलग से लेगा। अगर उसको कुछ बच रहा है तो वो आपको इसके साथ न्यूज़ पोर्टल के साथ ही एप्लीकेशन बना करके देगा दोस्तों, ठीक है जी। पांचवा जो मैंने पॉइंट निकाला है कि प्ले स्टोर वाली इस एप्लीकेशन को बनाने में कम से कम एक महीने का समय लगता है दोस्तों। जी हाँ, मान लीजिए आप वेब डेवलपर को कहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन बना दीजिए या बना दीजिए या बना लीजिए जो भी है, तो वेब डेवलपर आपसे एक महीने का समय मांगेगा। उस एक समय के अंदर इसको उस प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है प्ले स्टोर वालों की, गूगल वालों की, जिससे एक्सेस होती है एप्लीकेशन है, तो वो देखते हैं कि ये पब्लिश होने के लायक है, इसमें कोई कमी पेशी है या नहीं है, उसको छांट बांट करके फिर वो समय देते हैं। कई बार एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है दोस्तों, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मेरे वेब डेवलपर ने मुझे ये बताया है कि कम से कम एक महीने का समय इस एप्लीकेशन में लग जाता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आपको ये एप्लीकेशन बनवानी है तो आप अपने वेब डेवलपर से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, वो आपको अच्छी तरह से गाइड करके बताएंगे, समझा करके बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे बनाना है दोस्तों और कितना इसमें समय लगेगा दोस्तों, और कैसे टर्म और कंडीशन के ऊपर गूगल के पास जाएगी या कैसे वहाँ से पब्लिश होकर वापस आएगी,
या फिर कोई और एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसका आपको समय मांगा जाता है 1 महीने का दोस्तों, ठीक है जी। और ये गूगल की ही वेबसाइट है सारी, यूट्यूब हो गई, ठीक है जी, गूगल प्ले स्टोर हो गई, गूगल प्ले सर्विस हो गई, और गूगल हो गई, और गूगल के ऊपर जो न्यूज़ लगते हैं, ठीक है जी, ओपेरा मिनी अलग से आता है एक ब्राउज़र, उसके ऊपर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती होंगी खबरें लगाने की, मैं उसके बारे में अभी वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े दिनों में, देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी खबर शायद वहाँ पब्लिश हो जाए, लेकिन हुई नहीं, उसका शेयर का कोई ऑप्शन नहीं आता, हालांकि मैंने उसका अकाउंट बनाया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ दोस्तों। तो इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मैंने अब आपको जानकारी दी है उसको आप थोड़ा सोचें समझें, और इस एप्लीकेशन के बारे में मैं अगली वीडियो पूरी जानकारी के साथ बनाऊंगा दोस्तों, चाहे 10 मिनट की बने चाहे 15 की बने। ये जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है दोस्तों, उसके बारे में ये मैंने आपको जानकारी दी है। अब इससे अगली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी इसी वक्त, उसके अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा बिना प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों। जितनी मुझे जानकारी मिलती है दोस्तों, मैं आपके सबके साथ साझा कर लेता हूँ, और जितनी जानकारी मेरे पास नहीं होती दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको पता है कि मैं बकवास करना बेहतर नहीं समझता। अभी लोग कहेंगे कि ज़्यादा बकवास मत कर, जो बात मतलब की है वो बता, और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और फिर वही कहूँगा कि आप सब ठीक ठाक रहें अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालियों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका खैर, मे गॉड ब्लेस यू दोस्तों।